हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंड एंड स्टॉक्स। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसे स्टॉक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर लेके आई है। यानी कि अगर आपके पास में एक स्टॉक है, एक शेयर है इस कंपनी का, तो आपको दो और शेयर दिए जाएंगे एज ए बोनस। यानी कि 1:2 के रेशियो के अंदर यहाँ पर शेयर होल्डर्स माला माल होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जानना कि कंपनी आखिर है क्या, क्या कुछ कामकाज करती है और अब तक का पास्ट रिकॉर्ड यहाँ पर कैसा रहा है। इसी सीरीज के अंदर देखिए, सबसे पहले आपको कंपनी की वेबसाइट पर लेके चल रहा हूँ। कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, क्या कुछ कामकाज है और किस तरह की मार्केट डिमांड यहाँ पर आती है इनके बिजनेस में, वो चीज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में कुछ डेटा मैंने निकाला इस कंपनी के बारे में, उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर आगे पॉसिबिलिटी बन सकती है इस स्टॉक के अंदर पोजीशंस बनाने की। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कंपनी की वेबसाइट यानी के नाम और कंपनी की वर्किंग। तो देखिए, कंपनी का नाम है प्राइम कस्टमर सर्विसेज लिमिटेड, या फिर इसको प्राइम फ्रेश लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, और प्राइम फ्रेश लिमिटेड के नाम से ये BSE के ऊपर रजिस्टर्ड है। ध्यान दीजिएगा, NSE के ऊपर ये कंपनी आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ BSE के ऊपर लिस्टेड है। ये एक गुजरात बेस्ड, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो है सप्लाई ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कंपनी के जो वर्किंग पोर्टफोलियो है उसके अंदर आप तीन सर्विसेज देखेंगे, जिसके अंदर वेयरहाउसिंग सॉल्यूशंस एंड मैनपावर सॉल्यूशंस है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सप्लाई ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, और तीसरा है पैक हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज सर्विसेज। यानी कि ये तीन बड़े पोर्टफोलियो हैं जिसके ऊपर कंपनी कामकाज करती हुई आपको नजर आ जाएगी। ये कंपनी की वेबसाइट है जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस आपको दिखाई देंगे अंबावाड़ी अहमदाबाद में, और दूसरा एक ऑफिस दिखाई देगा नवी मुंबई, न्यू मुंबई के अंदर। तो ये कंपनी की ब्रीफ प्रोफाइल है। अब देखिए, यानी कि कंपनी को आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में कंपनी जुड़ी हुई है। इसलिए अगर आप डिमांड की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये कंपनी सप्लाई करती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनको कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। कंपनी के बैकग्राउंड की अगर आप बात करेंगे तो कंपनी काफी पुरानी है, हालांकि स्टॉक मार्केट पे कोई जानी मानी कंपनियों में से ये नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी काफी लंबे टाइम से कामकाज करती हुई नजर आ जाएगी। अगर आप इसकी हिस्ट्री के ऊपर ध्यान देंगे, इसके अबाउट अस सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर डिटेल में कंपनी के बारे में और भी काफी सारी चीजें दी हुई हैं। उसके बाद में देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी का स्ट्रक्चर बेहद छोटा है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर है कंपनी का, और कंपनी BSE SME प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड होती हुई नजर आती है। यानी कि देखिए, अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स आपको दिखाऊं screener.in के ऊपर, तो आप देखेंगे मात्र 56 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी के अंदर भी एक नैनो कैप अगर कंपनी का आप डेफिनेशन समझे तो वो ये कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 142 रुपए है, और जब ये न्यूज मार्केट के अंदर आई कि देखिए इस कंपनी के अंदर एक बोनस इशू आने वाला है, उसी दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन को ही ये स्टॉक 128 रुपए से 142 रुपए तक पहुंचा। जनरली इस स्टॉक के अंदर कोई भी नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं होती है, इसलिए कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर जब आप देखेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको सीधी सी एक लकीर दिखाई देगी, छोटी सी। यानी कि देखिए, इसके अंदर बायर्स एंड सेलर्स आपको जल्दी से नहीं मिलते हुए दिखाई देंगे। स्टॉक के पी की बात करेंगे 34.4 का है, बुक वैल्यू अगर देखें तो 26.40 रुपए की है। इसके अलावा अगर हाई देखें 52 वीक हाई तो 159 रुपीज का है, और 52 वीक लो देखें तो 70 रुपीज का है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 22 का है, और ROE की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 17% का ROE आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। 47 करोड़ की कंपनी सेल करती है तो अप्रोक्सीमेटली 1.63% का प्रॉफिट भी यहां पर कंपनी अर्न करती है। फेस वैल्यू है 10 रुपए इस कंपनी की। अगर आप बीते 5 सालों की सेल्स ग्रोथ देखें तो 19.2% के साथ में काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। और ये डेटा जो है देखिए, बहुत ज्यादा लिमिटेड डेटा है जो इस वक्त किसी भी वेबसाइट पर अवेलेबल है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि देखिए ज्यादातर वेबसाइट ने इस स्टॉक के बारे में कोई खास डेटा नहीं दिखा रखा है। तो देखिए, इस कंपनी के बारे में अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, कंपनी का स्ट्रक्चर बेहद छोटा है, और सबसे बड़ी बात है लिक्विडिटी का भी इशू यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सर्किट टू सर्किट यहाँ पर देखिए काम होता हुआ दिखाई दिया है, कई बार बायर्स एंड सेलर्स के अभाव में मार्केट में ट्रेडिंग भी नहीं होती। सेल्स की बात करें, देखिए 2011 में लगभग 4 करोड़ की सेल्स थी जो इनकी पहुंच चुकी है अब तक
47.24 करोड़ की मार्च 2020 में, यानी कि 10 साल में काफी जबरदस्त यहां पर आपको सेल्स ग्रोथ होते हुए दिखाई दे जाएगी। उसके बाद अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 16 लाख का प्रॉफिट था 10 साल पहले, और अब ये तकरीबन 3 करोड़ का पहुंच चुका है। तो इस तरीके से अगर आप डेटा देखेंगे तो डेटा यहाँ पर प्रोग्रेसिव तो जरूर है, लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इनकी बॉटम लाइन के अंदर, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। मात्र देखिए 1.63 करोड़ का इस कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ आपको नजर आएगा, नेट प्रॉफिट जो मार्च 2020 के अंदर रिकॉर्ड इन्होंने दिखाया है। इसके बाद देखिए देख लेते हैं TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ की सेल्स ग्रोथ 9% की है। ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 27% का है, और अगर आप स्टॉक प्राइस देखें पिछले एक साल में 29% ऊपर आ चुका है। ये है इसका CAGR स्टॉक प्राइस का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो जैसे हमने देखा लास्ट ईयर का 17% है। तो ये डेटा है कंपनी का, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी भी है, तो इसलिए यहां पर अगर आपको पैसा लगाना हो इस बोनस शेयर को लेके तो आपको बहुत लिमिटेड और छोटा पैसा लगाना चाहिए ऐसा मैं मानता हूं। कंपनी ने अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में BSE SME प्लेटफॉर्म से निकलकर BSE मेन बोर्ड में जाने की भी यहां पर पूरी तैयारी कर ली है। इसका नोटिफिकेशन भी देखिए मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा। बेसिकली ये है 26/3/2021 का नोटिफिकेशन, जिसके अंदर देखिए आपको यहां पर देखने को मिलेगा कंसीडर डिस्कस्ड एंड अप्रूव द प्रपोजल ऑफ बोनस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो 2 बोनस इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज ईच फॉर 1 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच फुल्ली पेड अप, यानी कि एक शेयर अगर आपके पास में इस कंपनी का है तो आपको 2 और इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, ऐसा यहां पर कहना है कंपनी का। उसके बाद में देखिए इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर इस मीटिंग के अंदर जो 26 तारीख को हुई है यहां पर एक और चीज कंसीडर की गई है कि कंसीडर डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ माइग्रेशन ऑफ कंपनी फ्रॉम SME प्लेटफॉर्म ऑफ BSE लिमिटेड टू द मेन बोर्ड ऑफ BSE लिमिटेड। देखिए जिन कंपनी की जो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक ही है, तो उनको देखिए 2 साल BSE SME के ऊपर ट्रेड होना होता है, उसके बाद ही उनको परमिशन मिलती है आगे फर्दर मेन बोर्ड में ट्रेड करने की। तो उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहां पर कंपनी ने अपनी जो सेबी की रूलिंग्स है उसको फुलफिल करते हुए अब यहां पर प्रपोजल लेके आई है कि इनको आगे की तरफ मेन बोर्ड ऑफ BSE लिमिटेड के ऊपर ट्रेड होना है। तो ये एक अच्छी बात है, एक बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी देखिए कंसिडर कर रही है, इसका मतलब मेन स्ट्रीम ट्रेडिंग के अंदर ये कंपनी आपको आती हुई नजर आ जाएगी। इसके अलावा देखिए तो इन्होंने यहां पर कोई भी बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट नहीं मेंशन करी है, सिर्फ और सिर्फ एक डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो इन्होंने दिया है, एस्टिमेटेड डेट बाय विच सच बोनस शेयर वुड बी क्रेडिटेड और डिस्पैच्ड। ये इन्होंने लिखा है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट इज 26 मार्च 2021, 26 मार्च 2021 के बाद में आने वाले 60 दिन के अंदर ये स्टॉक ये बोनस शेयर आप लोगों को दे दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ऐसा डेटा यहां पर दिया गया है। तो मेरी समझ से देखिए क्योंकि कंपनी काफी ज्यादा छोटे स्ट्रक्चर के साथ कामकाज कर रही है, इसलिए यहां पर आपको थोड़ा संभल के ही मूव लेना चाहिए इस कंपनी के अंदर, और एक्साइटमेंट में कोई बहुत बड़ी पोजीशंस मेरे हिसाब से आपको नहीं बनानी चाहिए इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर जो प्राइम कस्टमर सर्विसेज लिमिटेड बोनस इशू लेके आ रही है उसकी वजह से। तो ये देखिए डिटेल्स हैं इस कंपनी की जिसका नाम है प्राइम फ्रेश लिमिटेड, और 1:2 के रेशियो में ये लेके आ रही है बोनस, जिसकी सारी डिटेल्स मैंने कोशिश करी है जितनी मुझे मिल पाई मैंने आपके सामने इस वीडियो के अंदर यहाँ रखी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक ट्रेंडलाइन स्टॉक्स को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बराबर में दिया बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।